हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेज में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के और प्रश्नावली 2.4 के बारे में, जिसका पहला क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएँ उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा त्रिघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो बच्चों, जो त्रिघात बहुपद होता है, जिसके ऐसा बहुपद जिसकी जो अधिकतम घात होती है वो 3 होती है, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। और ये इसका जो है व्यापक रूप होता है, ax³ + bx² + cx + d। ये त्रिघात बहुपद का जो है व्यापक रूप है। और जैसा कि आपको पता होगा कि शून्यकों की जो संख्या है इसके वो 3 होती है, यानी कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। जैसे द्विघात के 2 शून्यक होते हैं, जितना घात का बहुपद होगा उतना उसके शून्यक होगा। अगर रैखिक बहुपद है जो कि एक घात का होता है, उसका एक शून्यक होता है, द्विघात का 2 शून्यक होता है, और त्रिघात का 3 शून्यक होता है। तो अगर इसके 3 शून्यक जो हैं, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक हमारा जो है गामा है, ये 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो इनमें कुछ संबंध होता है। तो जैसे द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है, वैसे त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में भी संबंध है। तो इनका पहला संबंध है इस शून्यकों का योग, जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के रूप में दिखा सकते हैं। और ये जो होता है हमारा होता है -b/a के बराबर। ठीक, यहाँ पे a जो है हमारा x³ का गुणांक है, bx² का गुणांक है, cx का गुणांक है और d अचर पद है इसमें। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। फिर उसके बाद अगर हम लोग दो दो शून्यकों को लेते हैं, इनका आपस में गुणा करके इनको जोड़ते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं शून्यकों के गुणनफल का योग। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a होता है। और इस तरह से अगर तीनों का गुणनफल निकालते हैं, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका जो मान होता है वो होता है -d/a। तो अब हमारे जो क्वेश्चन है वो इसी फार्मूले के सहारे जो है सॉल्व होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एक दिया है, 2x³ + x² - 5x + 2। ये हमारा त्रिघात बहुपद दिया है और ये इसके 3 शून्यक है, 1/2, 1 और -2। तो यहाँ पे हमको इसको सत्यापित करना है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है, यानी कि ये जो संख्या दी गई है इसकी शून्यक है, और साथ ही में शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जाँच करना है। तो चलिए हम लोग इसे जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, पहला क्वेश्चन है कि माना px = 2x³ + x² - 5x + 2। ये px का जो है मान है, और 3 शून्यक इसके जो हैं, अल्फा बराबर 1/2 है, बीटा बराबर जो है वो 1 है, और गामा बराबर जो है आपका -2 है। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये इसके शून्यक जो दिए गए हैं वो इसके शून्यक हैं। तो शून्य कब होंगे, जब p 1/2 का जो मान है वो 0 होगा, तब हम लोग कहेंगे कि 1/2 जो है इसका शून्यक है। तो हम p 1/2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, हर जगह हमको 1/2 रखना होगा। यानी कि यहाँ से x का जो मान है वो 1/2, फिर इसी तरह से हम लोग इसमें से x का मान 1 रखेंगे, फिर इस तरह से x का मान -2 रखेंगे। इस मान को यहाँ पे रख रख के चेक करेंगे और उसके बाद हम पता कर लेंगे कि शून्यक है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम 1/2 रखेंगे तो ये 1/2 का क्यूब हो जाएगा, फिर इस तरह से 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1/2 रखते हैं तो 5 × 1/2 हो जाता है और प्लस में 2 है। तो ये 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 हो जाता है, और फिर इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 × 5 हो गया, 1/2 और +2 हो गया। ठीक, इसको हम कट कर सकते हैं, 1/4 हो गया। तो ये कुल 1/4 + 1/4 - 5/2, और इसके यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2/1। इसका हम लोग नीचे वाले का जो है एलसीएम करेंगे, लॉस जो कि 4 ही होगा। तो ये जब 4 हो जाएगा तो यहाँ से इसको भाग देते हैं, 4 × 4 और 1 का ऊपर गुणा करते हैं, 1 + 1 हो गया।
फिर यहाँ से फिर इसको इसको भाग देते हैं, तो चार एक चार एक बार में कटेगा, उस एक का गुणा करेंगे एक कम एक हो गया। फिर दो से भाग देंगे चार में, दो दो नहीं चार, और दो का पाँच में गुणा करेंगे, दो पचे दस हो गया। फिर ऐसे एक से चार में भाग देंगे, एक चौक चार, और चार का दो में गुणा होगा तो दो चौके आठ हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, तो आठ एक नौ, नौ और एक दस हो जाएगा, दस माइनस दस और बटे में चार हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि दस में से दस जब घटेगा तो जीरो हो जाएगा, और यानी यहाँ पे जीरो आ गया। तो इसका मतलब है कि एक बटे दो जो है इस बहुपद का एक शून्य है। तो फिर इस तरह से हम लोग आगे ऐसे ही चेक करते हैं, पी वन को चेक करते हैं, पी वन यदि जीरो आता है तो एक जो है ये जो हमारा बहुपद दिया गया है त्रिघात बहुपद उसका शून्य होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ यक्ष होगा उस बहुपद में वहाँ वहाँ हम लोग एक रख करके चेक करते हैं कि क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे यक्ष है, तो हम यहाँ रखेंगे दो गुणे एक का क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस पाँच एक्स है तो पाँच गुणे एक रखेंगे, और प्लस में यहाँ पे दो रख देंगे। इसके बाद जो हमारा एक का क्यूब एक ही होगा, एक का स्क्वायर भी एक ही होगा, और पाँच एकम पाँच हो जाएगा, प्लस में दो हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो एकम दो हो गया, प्लस एक हो गया, माइनस पाँच हो गया, और प्लस दो हो गया। तो दो दो चार, चार और एक जोड़ेंगे तो पाँच हो जाएगा, पाँच माइनस पाँच हो जाएगा, और पाँच में से पाँच घटेगा तो जीरो, यानी कि ये भी आपका शून्य है। फिर इस तरह से हम लोग तीसरे वाले को चेक करते हैं, जो हमारा तीसरा दिया है और उसका जो मान है वो माइनस दो दिया है, पी माइनस दो, अगर ये जीरो आ जाता है तो ये भी जो है एक शून्य हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग पी माइनस दो को चेक करते हैं। तो पहले हमारा दो एक्स क्यूब है तो दो होगा, और फिर एक्स जगह पर माइनस दो रखना है और इसका क्यूब करना है, फिर एक्स स्क्वायर है तो माइनस दो का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे माइनस फाइव पाँच एक्स है तो फिर पाँच गुणे माइनस दो हो जाएगा, और प्लस में दो हो जाएगा। ठीक, तो दो का क्यूब करेंगे तो आठ होगा, लेकिन माइनस दो है और माइनस दो का क्यूब जो होता है माइनस आठ होता है, और फिर यहाँ से माइनस दो का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा चार, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पाँच दूनी दस हो जाएगा, और प्लस में दो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आठ का दो से गुणा करेंगे तो माइनस सोलह हो जाएगा, प्लस चार, प्लस दस, और प्लस में दो हो गया। ठीक, ये सारे प्लस वाले को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो दस चार चौदह, और चौदह में दो जोड़ेंगे सोलह, ये घट के हमारा जीरो हो गया। तो इस तरह से ये भी हमारा एक शून्य है, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो हो गया। इसके बाद हम लोगों को जो है संबंध में जो है सत्यता की जांच करनी है, कि जो इनका जो संबंध है इनके बीच वो सत्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा कि आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए का जो मान है वो दो हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि दो एक्स क्यूब है। फिर ये हमारा बी है, बी के जगह पर एक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये जो बी का जो मान हो जाएगा वो एक हो जाएगा। सी का जो मान है वो माइनस पाँच है, और डी का जो मान है वो आपका दो है। यहाँ से जो है सीधे सीधे आपका पता चल रहा है कि जो हमने यहाँ पे देखिए व्यापक रूप जो है समीकरण का यहाँ पे लिखा हुआ है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर, देखिए ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक, तो देखिए ए के जगह पर दो है इसलिए ए बराबर दो रख दिया गया है। यहाँ पे बी के जो है यहाँ पे कुछ कोई भी अंक नहीं है इसलिए यहाँ पे एक होता है, तो बी का जो मान है वो एक हो गया। और यहाँ पे देखिए सी है तो यहाँ पे माइनस पाँच है, तो सी का जो मान है माइनस पाँच हो गया, और यहाँ पे डी है तो यहाँ पे देखिए दो है, तो डी का जो मान है वो दो हो गया। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था शून्यकों के लिए, एक पहला जो संबंध होता है शून्यकों का योग होता है, जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहते हैं, और इसका जो मान होता है वो होता है माइनस बी बटे में ए के बराबर होता है। ठीक, तो अल्फा जो है हमारा देखिए अल्फा का मान एक बटे दो है, फिर इसी तरह से बीटा का मान एक है, और फिर इस तरह से जो गामा का मान है वो क्या है माइनस दो है, और उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो माइनस बी बटे में, तो बी का जो मान है एक है और ए का मान क्या है दो है, तो माइनस एक बटे दो हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, अगर ये भी एक बटे दो आ जाता है तो ये हमारा संबंध सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे इसके बटे में एक लिख सकते हैं आप, तो दो एक एक का एलसीएम करेंगे, लौसा करेंगे, तो ये दो ही होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस दो से इस दो में भाग देंगे, एक बार में कटेगा और एक इकाई एक होगा। फिर उसके बाद इस एक से दो में भाग देंगे, दो बार में कटेगा और दो का एक में गुणा होगा तो दो होगा। फिर ऐसे ही एक से दो में फिर भाग देंगे तो दो बार में कटेगा और दो का दो में गुणा होगा तो चार होगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बराबर में हमारा माइनस एक बटे दो जो है पहले से उपस्थित है।
इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए ये दो और एक तीन होगा, इनको जोड़ेंगे और ये चार में से तीन घट डाल देंगे, तो माइनस एक बटे यहाँ पे दो बचेगा। क्यों? क्योंकि चार जो है बड़ा है और बड़े पे माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस एक बटे दो बराबर माइनस एक बटे दो। तो ये हमारा जो है पहला संबंध था। इसके बाद हमारा दूसरा जो संबंध है वो क्या है? दूसरा जो संबंध है आपका वो है कि दो दो शून्य को लेते हैं हम लोग और उनका आपस में गुणा करके उनको जोड़ते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इसका जो मान होता है वो होता है सी बटे ए, ठीक, जिसको हमने पहले बताया है। तो अल्फा इंटू बीटा है, तो बच्चों यहाँ पे अल्फा जो है एक बटे दो है और बीटा हमारा एक है। देखिए यहाँ पे अल्फा एक बटे दो है, बीटा एक है। फिर ऐसे ही बीटा इंटू गामा है, तो बीटा हमारा एक है और गामा जो है माइनस दो है। फिर गामा इंटू अल्फा है, तो गामा जो है माइनस दो है और अल्फा का जो मान है वो एक बटे में दो है। फिर बराबर में क्या है? सी बटे ए। तो देखिए ये हमारा सी है, सी का जो मान है माइनस पाँच है, और ये हमारा ए है और ए का जो मान है वो क्या है बच्चों? वो दो है, ठीक। तो अब क्या होगा यहाँ पे? एक बटे दो का गुणा एक में करेंगे तो एक बटे दो ही होगा। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, और दो का गुणा एक में होगा, दो एक कम दो, और प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ से ये दो से दो जो है हमारा कट जाएगा और ये यहाँ पे बचेगा माइनस एक। अब ये अगर इस माइनस पाँच बटे दो के बराबर आ जाता है इसको सॉल्व करने पे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे जैसे पीछे हमने किया है, एलसीएम करेंगे, ये हमारा दो लिखेंगे और ये दो इकाई दो एक बार में कटेगा और एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही होगा। फिर उसके बाद जो है हम एक से दो में भाग देंगे, दो बार में कटेगा और दो दूनी चार हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक से दो में भाग देंगे, दो बार में कटेगा, दो इकाई दो हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये चार दो छः हो जाएगा, माइनस में छः क्योंकि माइनस में जुड़ेगा दोनों, और छः में से यहाँ पे एक घटाएंगे तो माइनस पाँच बट्टा में दो हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी संबंध हमारा सही है। तो बच्चों तीसरा जो संबंध है आपका वो ये है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में होता है माइनस डी बटे में ए के, ठीक। ये हमारा तीसरा संबंध है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन तीनों का जो है मान रख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ से अल्फा का जो मान है वो क्या है? एक बटे में दो है, तो हम एक बटे दो रख लेते हैं अल्फा के जगह पे। फिर उसके बाद हमारे पास बीटा है, तो बीटा का मान एक है तो एक रख लेते हैं। फिर उसके बाद गामा है, गामा का जो मान है माइनस दो है, माइनस दो रख लेते हैं। माइनस डी बटे में ए, तो देखिए भाई डी का मान दो है तो माइनस दो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा है, और ए का भी मान दो है तो बटे में दो हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ दो से दो कट जाएगा और माइनस एक, और यहाँ भी दो से दो कटेगा बराबर में माइनस एक। तो इस तरह से ये जो हमारे संबंध में जो है सत्यता की जाँच हो गई। और फिर इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीन है, ये त्रिघात बहुपद है एक्स क्यू माइनस चार एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर, ठीक। और ये इसके शून्यक है दो एक और एक। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। तो ये हमारा माना पी एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस चार एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस दो, ठीक। और ये हमारा अल्फा, अल्फा का मान दो है। फिर उसके बाद बीटा, बीटा का जो मान है वो एक है। और फिर उसके बाद गामा, इसका भी मान एक है। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से यहाँ पे इस मान को रखते हैं जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, अगर ये शून्यक है तो P2 का जो मान होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे जो हमारा त्रिघात बहुपद दिया है यहाँ पे x की जगह पे दो रखेंगे हम, तो ये x है और यहाँ पे दो रखा जाएगा और दो का क्यूब लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी दो लिखा जाएगा और इसका स्क्वायर किया जाएगा। फिर यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी दो लिखेंगे और गुणे में दो करेंगे, ठीक। तो दो का जो क्यूब होता है वो बच्चों आठ होता है, तो ये आठ हो गया। और दो का जो स्क्वायर होता है वो चार होता है, और ये पाँच दूनी दस हो गया, माइनस दो हो गया। फिर उसके बाद जो है आठ, और ये चार का चार में गुणा होगा तो सोलह हो जाएगा, प्लस दस और माइनस दो। तो ये प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं और इन माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो दस में आठ जोड़ेंगे तो अट्ठारह हो जाएगा, सोलह में दो जोड़ेंगे तो अट्ठारह हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया हमारा? जीरो। तो इसका मतलब है कि पी टू जो है, यानी कि दो जो है, इसका एक शून्यक है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे वाले को चेक करते हैं यहाँ पे। तो दूसरा वाला हमारा क्या है? वन है। तो अगर इसका जो मान है वो जीरो आ जाएगा, एक पी वन का मान, तो इसका मतलब है कि वन जो है इसका शून्यक है। तो चलिए हम लोग इसे भी सॉल्व करके चेक करते हैं।
तो देखिए ये एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक रख दिया जाएगा तो एक का क्यूब हो जाएगा। फिर ये चार एक्स स्क्वायर है, तो चार गुड़े एक्स स्क्वायर की जगह यानी एक एक का स्क्वायर करेंगे। फिर पाँच एक्स है तो पाँच गुड़े एक कर देंगे और फिर माइनस दो लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो एक का जो क्यूब होगा वो एक होगा और एक का स्क्वायर जो है एक ही होगा और पाँच एकम पाँच हो जाएगा और माइनस दो हो गया, तो चार एकम चार हो गया प्लस पाँच हो गया और माइनस दो हो गया। ठीक, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि पाँच में एक जोड़ेंगे तो छः होगा और ये माइनस माइनस ये भी दोनों जोड़ाएगा छः हो जाएगा, इस तरह से ये जीरो हो गया। तो ये भी आपका जो शून्यक है वो मतलब है, क्योंकि इसका जो मान हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे गामा वाले को रखते हैं तो इसका भी जीरो आना ही है क्योंकि यहाँ पे हमने एक रखा था। ठीक, सेम इसी तरह से ये भी लग जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग जो है इनके जो संबंध है, संबंधों में जो सत्यता की जाँच है उसको करेंगे। तो ये हमारा जो है देखिए ये त्रिघात बहुपद है एक्स क्यूब का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो कि त्रिघात बहुपद का एक व्यापक रूप है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ए का जो मान है वो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा, और फिर इसके बाद जो है बी का जो मान है वो माइनस चार हो जाएगा, और फिर यहाँ से सी का जो मान है वो पाँच हो जाएगा, और ये जो डी है डी का जो मान है वो माइनस दो हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पहला ये हमारा संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसके बराबर में होता है माइनस बी बटे में ए होता है। तो ये हमारा हो गया माइनस बी बटे ए। तो अल्फा जो है एक हो गया, बीटा का जो मान है माइनस चार हो गया, गामा का जो मान है बच्चों अब वो देख लीजिए आप क्या है, यहाँ से एक है, ओ सॉरी यहाँ पे जो है गलत हो गया, यहाँ से इसकी हमने इसका मान रख दिया। तो अल्फा का जो मान है वो एक है बच्चों, यहाँ से सॉरी दो है यहाँ पे, अल्फा जो है दो है यहाँ पे, ठीक ना, और बीटा बीटा जो है यहाँ पे एक है, और फिर गामा गामा भी एक है। इसके बाद माइनस बी बटे है, तो बी का जो मान है माइनस चार है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस लगा है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस माइनस चार, और फिर ए का जो मान है वो क्या है एक है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दो एक तीन, तीन और एक चार, तो चार हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया चार हो गया बराबर। तो इस तरह से ये हमारा जो संबंध है उसकी सत्यता की जाँच हो गई। इसके बाद हम लोग अपने दूसरे संबंध की तरफ बढ़ते हैं, इनमें है तो ये हमारा दूसरा संबंध है। इसमें क्या करते हैं कि दो दो का गुणा करते हैं और उसके बाद उनको जोड़ते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, और इसका जो मान होता है वो होता है सी बटे में ए के बराबर होता है। तो अल्फा का जो मान है वो आपका है दो, ठीक, तो यहाँ पे दो रख दिया जाएगा। फिर यहाँ से बीटा का जो मान है वो एक है तो यहाँ पर एक रख दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए बीटा जो है एक है तो यहाँ बीटा है तो एक रख देंगे। गामा का जो मान एक है तो एक ही रखा जाएगा, फिर गामा है तो एक रखेंगे और अल्फा का मान दो रखेंगे। इसके बाद है सी बटे, तो देखिए सी का मान पाँच है और ए का मान एक है तो पाँच बटे में एक हो जाएगा। ठीक, तो दो एक कम दो, एक एक कम एक और दो एक कम दो, और बटे में पाँच नहीं, पाँच के बटे में एक है तो एक को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो दो चार, चार और एक जोड़ेंगे तो पाँच। तो इस तरह से ये भी हमारा जो संबंध है वो प्राप्त हो गया। ठीक, तीसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, और इसके बराबर होता है माइनस डी बटे में ए। तो अल्फा का जो मान है वो दो है, बीटा का जो मान है वो एक है, और गामा का जो मान है वो भी क्या है आपका एक है। इसके बाद माइनस डी बटे में है, तो देखिए डी का जो मान है वो क्या है माइनस दो है, तो यहाँ पर एक माइनस पहले से लगाया तो इसको लिखेंगे माइनस माइनस दो, और ए का जो मान है वो एक है बटे में एक हो गया। तो यहाँ पर दो का एक में गुणा होगा तो दो इकाई दो और फिर दो इकाई दो, तो इस तरह से दो जो है दो के बराबर, यानी कि ये भी हमारा जो संबंध है वो स्थापित हो गया। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर दो है आपका कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दो माइनस सात माइनस चौदह है। यानी कि हमको एक त्रिघात बहुपद बनाना है और इसमें जो है शून्यकों का योग दो है और दो दो शून्यकों को गुणनफल करके उनको जोड़ने पे माइनस सात है, और यदि तीनों का एक साथ गुणनफल करते हैं तो माइनस चौदह प्राप्त होता है। तो हम लोगों को द्विघात समीकरण जो है प्राप्त करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इस सवाल को जो है आगे लगा करके देखते हैं। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में जो था वो ये था कि दो तीन शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा,
और इसका जो मान है वो दिया है 2। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्फा बीटा गामा इसे हम लोग लिखते हैं माइनस बी बटे ए लिखा जाता है, जैसा कि हमने जो है पहले आप लोगों को बताया है। और फिर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से यहाँ से बी का जो मान है लिख सकते हैं हम लोग माइनस 2 ए प्राप्त हो गया। ठीक, इसके बाद जो है हमारा दूसरा संबंध यह है कि दो दो शून्यकों को लेकर गुणनफल करना है और फिर उसके बाद जो है उनको जोड़ना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक, तो इसका जो मान होता है दिया गया जैसा कि इसमें वो माइनस 7 है और इसे हम लोग लिखते हैं सी बटे ए, तो बराबर माइनस 7 हो जाएगा। तो सी का जो मान हो गया वो माइनस 7 ए प्राप्त होगा। तीसरा जो संबंध होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि तीनों का गुणनफल, और इसे लिखते हैं माइनस डी बटे में ए। और ये जो दिया गया यहाँ पे माइनस डी बटे ए बराबर हो जाएगा, इसका जो मान है वो दिया गया है माइनस 14। तो माइनस 14 जो है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि प्लस बन जाएगा और डी का जो मान हो जाएगा वो 14 ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोगों को त्रिघात बहुपद बताना है। तो हमने त्रिघात बहुपद के लिए बताया था कि ये हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अगर इस रूप में हम लोग इसे रख देते हैं तो बड़े आसानी से हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा ए एक्स क्यूब है, तो ए का तो वैल्यू देखिए यहाँ पे कहीं निकला नहीं है, तो हम लोग सीधे ऐसे ही लिख देंगे ए एक्स क्यू। फिर उसके बाद बी एक्स स्क्वायर है, तो देखिए बी का जो मान है वो माइनस 2 ए है, माइनस 2 ए, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद सी एक्स है, तो सी का जो मान है वो माइनस 7 ए है और प्लस उसके बाद जो हम लोग एक्स लिख देंगे यहाँ पे। और डी, तो डी का जो मान है देखिए वो 14 ए हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग सही से लिख लेते हैं ए एक्स क्यू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 ए एक्स प्लस 14 ए। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ए जो है देखिए हर जगह पे है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ए को कॉमन कर लेंगे। तो ये हमारा अंदर जो एक समीकरण बन जाएगा एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 14। तो इस तरह से हम लोग ए को हटा सकते हैं और ये हमारा त्रिघात बहुपद जो है प्राप्त हो गया। क्या हो गया, ये आपका एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 14 जो है ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक।